मैं नहीं उठ सकती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, मैं खाना लेट के खाती थी, मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती थी। मुझे उठा के ले जाते थे, अगर हॉस्पिटल भी ले जाना है तो उठा के ले जाते थे, इतनी बुरी हालत थी। और अब कैसी हालत है? अब मैं ठीक हूँ, अब सारा काम कर रही हूँ, चल फिर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मुझे स्टार्टिंग में ही सर्जरी के लिए कहा गया था कि आपको इतनी ज़्यादा स्लिप डिस्क है, डिस्क बहुत ज़्यादा बाहर आ गई है, इसकी सिर्फ सर्जरी ही करनी पड़ेगी। ऑपरेशन के लिए PGI चले गई थी, जगह जगह यही बताया कि इसका एक ही इलाज है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर PGI गई थी ऑपरेशन के लिए, तो मुझे किसी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे सोलन में कोई डॉक्टर कुशल तिवारी आए हैं, प्लीज़ आप एक बार आके उनसे मिलिए। फिजियोथेरेपी एक चमत्कार कर सकती है, और ये चमत्कार कैसे हुआ और सोलन में भी इसको चमत्कार माना जा रहा है, और उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है पूनम शर्मा। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और जैसे मैंने ये कहा कि फिजियोथेरेपी है वो चमत्कार किया, आपके साथ में ऐसा हुआ क्या? हाँ जी सर। क्या हुआ? मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे 2021 में स्लिप डिस्क हुआ था, तो मैं बहुत जगह गई हूँ, मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं बेड पे हो गई थी, मैं खाना भी सो के खाती थी। 3 सालों से जगह जगह गई हूँ पर कहीं भी मुझे आराम नहीं हुआ। मैंने यहाँ तक कि यहीं सोलन में 6 महीने लगातार फिजियोथेरेपी भी की पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मशीनों पे मशीनें लगाई गई। फिर मैं ऑपरेशन के लिए PGI चले गई थी, जगह जगह यही बताया कि इसका एक ही इलाज है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर PGI गई थी ऑपरेशन के लिए, तो मुझे किसी का कॉल आया कि ऐसे ऐसे सोलन में कोई डॉक्टर कुशल तिवारी आए हैं, प्लीज़ आप एक बार आके उनसे मिलिए। तो मैं आई यहाँ पे, तो पहले मैं डाउट में थी कि जगह जगह करवा चुकी हूँ, तो फिर जैसे ही मैंने पहले सेशन में मुझे उतना फ़र्क नहीं लगा, धीरे धीरे सेकंड थर्ड सेशन में मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो यानी अब क्या है, और वैसे आपको प्रॉब्लम क्या थी है? जो यानी डॉक्टर्स ने ऐसे बोल दिया कि सर्जरी होनी थी आपकी? हाँ जी, मुझे स्टार्टिंग में ही सर्जरी के लिए कहा गया था कि आपको इतनी ज़्यादा स्लिप डिस्क है, डिस्क बहुत ज़्यादा बाहर आ गई है, इसकी सिर्फ सर्जरी ही करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूनम शर्मा यहाँ पर बता रही है कि डिस्क की प्रॉब्लम थी और डिस्क कह रहे हैं कि बाहर आ गई थी। हाँ जी। और उसकी वजह से इनको ऑपरेशन के लिए PGI भेज दिया गया था, और ये PGI में थी, और PGI में किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि हाँ, डॉक्टर तिवारी यहाँ पर है, आप उनके पास जाए। तो आपको भरोसा था, क्योंकि पहले भी लगता कि जैसे आप बोल रहे कि पहले कई बार आपने 6 महीने तक कंटिन्यूसली करवाई, तो फिर कैसे भरोसा आ गया आपको? मुझे लगा कि चलो जब मैंने इतनी ज़्यादा जगह जगह करवाई है तो एक बार देख लेती हूँ, तो फिर मुझे काफ़ी फ़र्क लगा। अच्छा सर, मैं मशीनों का यूज़ कम, मैनुअल थेरेपी ज़्यादा दी है। तो आप क्या मानते हैं कि जैसे अगर किसी को डिस्क की प्रॉब्लम है और ऑपरेशन के लिए बोल दिया है या जाने की तैयारी में है, तो आप क्या कहेंगे उनको कि क्या करना चाहिए उन्हें? उन्हें एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलना चाहिए, एक बार डॉक्टर कुशल तिवारी जो यहाँ अभी है सोलन में, उनसे एक बार आके मिले। जैसे आप बोल रहे हैं कि बेड पर लेट के आप खाना खाने में मजबूर हो गए थे, ऐसी कैसे दिक्कत हो गई थी? मैं नहीं उठ सकती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, मैं खाना लेट के खाती थी, मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती थी। मुझे उठा के ले जाते थे, अगर हॉस्पिटल भी ले जाना है तो उठा के ले जाते थे, इतनी बुरी हालत थी। और अब कैसी हालत है? अब मैं ठीक हूँ, अब सारा काम कर रही हूँ, चल फिर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो आपने उस फ्रेंड का जिसने सुजेस्ट किया था उसका थैंक यू किया। और डॉक्टर तिवारी के बारे में कैसे कहेंगे कि क्या कैसे ट्रीटमेंट देते हैं वो? बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत नाइस है, नाइसली ट्रीट करते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और लोगों को भी सजेस्ट करेंगे? हाँ जी सर, मैं तो सबसे यही कहूँगी कि एक बार आप कुशल तिवारी से आके मिलिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी के लिए जो फिजियोथेरेपी है वरदान भी बन सकती है। हालांकि जो पहले कई फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे भी आए जिनसे ये सेटिस्फाई नहीं थे और इनकी जो दर्द है वो बढ़ती जा रही थी, और यही वजह था कि इनको PGI में रेफर कर दिया था, और वहाँ पर डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी थी कि भाई आपकी जो सर्जरी है वो होने वाली है। लेकिन एक वो कहें कि जो फरिश्ता बनकर कोई आता है, तो फरिश्ता बनकर इनकी फ्रेंड आई और उन्होंने सुजेस्ट किया कि हाँ आप एक बार डॉक्टर तिवारी से मिले, और ये डॉक्टर तिवारी से मिली
और उन्होंने जो ट्रीटमेंट दी है, फिजियो दी है, और उसके बाद में अब ये बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। हाँ जी सर। तो अपने डे रूटीन के काम कर पा रही है? हाँ जी, मैं सारा काम करती हूँ। चलती फिरती भी हैं? सब कुछ करती हूँ। अच्छा, जब डिपेंडेंट हो गए थे तो फिर कौन दिखता था फिर आप? मेरे हस्बैंड थे, फैमिली वाले थे, वही देखते थे। अब वो भी खुश है? अब सब खुश है। कितना टाइम लगा इसको ठीक होने में? इसको ठीक होने में 3-4 मंथ के अंदर में काफी ठीक, 80-90% ठीक हो गए। अच्छा। हाँ, 2-3 मंथ के अंदर अंदर। तो यानी जब सर्जरी की बात आई थी तब डर भी लगा होगा कि हाँ अभी अब सर्जरी? हाँ सर, मैंने काफी टाइम तो 3 ईयर अवॉइड करने की काफी कोशिश की थी कि मैं सर्जरी ना करूँ, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था सर्जरी का, तो मैं सर्जरी के लिए भी चले गई थी। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा डॉक्टर तिवारी के बारे में। डॉक्टर तिवारी जो फीफा के फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और साथ में जो इंटरनेशनल राफ्टिंग एसोसिएशन है उसमें भी ये जो फिजियोथेरेपी की जो अपनी प्रैक्टिस है वो यानी कि कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रैक्टिस कर नहीं रहे बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट उसमें हैं। और साथ में ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ये अब सोलन में है, सोलन में लक्कड़ बाज़ार में ये मिलते हैं और ये कोई भी पेड ये न्यूज़ नहीं है। और कहीं आपको ऐसा तो नहीं डॉक्टर तिवारी ने कोई पैसे दे दिए हो या रिबेट दे दी हो? तो ये चीज़ है और इनकी चेहरे की खुशी ये बताती है कि ये बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और यही वजह है कि ये डॉक्टर तिवारी के बारे में और लोगों को भी सजेस्ट कर रही है कि अगर कोई भी आप इस तरह से दिक्कत परेशानी से गुजर रहे हैं तो आपकी दिक्कत परेशानी को सॉल्व यहाँ पर किया जा सकता है और आपकी दिक्कत परेशानी को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। और अब जो यहाँ पर डॉक्टर तिवारी के पास में आप क्या रेगुलर जा रही हैं कि महीने में एक बार जाती हैं या कैसे जाती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है वो? नहीं सर, अब मैं मंथ में 2 मंथ में एक बार जाती हूँ। 2 महीने में? हाँ, एक बार मैं लगातार नहीं जाती हूँ। और जैसे यहाँ पर ट्रेंड है कि फिजियोथेरेपिस्ट के नाम पर पूरे इंडिया में यही चल रहा है, स्कैम चल रहा है और बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठे जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर तिवारी बहुत ज़्यादा चार्ज? वो नहीं है, उनके चार्ज ठीक है, मिनिमम है, 500 रुपीज़ है। अच्छा, इतने ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। और जैसे हॉस्पिटल में जब सर्जरी आपको बताई तो सर्जरी का भी खर्चा बताया होगा वहाँ पर आपको कि इतना खर्चा हो सकता है या इतना ज़्यादा खर्चा आपने किया? जैसे आपने बोले 6 महीने आप कहीं पर ट्रीटमेंट भी लिया, कहीं और जगह भी गए आप, तो आपने पैसा तो वहाँ पे भी काफ़ी खर्च किया होगा? हाँ जी सर, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया। तो और बिना पैसे के या कम पैसे में आपको फ़ायदा वहाँ पर मिल रहा है? तो आप भी ये पैसा बचा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आपको भी सर्जरी के लिए किसी ने बोला है तो एक बार ज़रूर यहाँ पर डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर तिवारी आपको यहाँ पर मिलेंगे और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो पूनम जी हैं वो बोल रहे हैं। अब देखते हैं, देखना यही होगा कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी सेवाएं कितना ले पाते हैं और कितना अपने आप को ठीक कर पाते हैं और वो भी कम पैसे में और वो भी एक अच्छे और सदैव डॉक्टर से। जैसे कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू जी।